दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से आप बिना किसी ऑफर या डिस्काउंट के 5 से 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। उसका एक हैक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में आपकी वो बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आप नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे कि वहां पे आपको इंटरेस्ट के अमाउंट का डिस्काउंट मिल जाता है जब भी आप कोई सामान परचेस करते हैं। तो अगर आपने पहले कोई सामान परचेस किया होगा, उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपए रही हो या कोई भी कीमत रही हो, मैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख बोल रहा हूँ, तो वहां पे आप क्रेडिट कार्ड से 95,000 कुछ कटते हैं और बाकी इंटरेस्ट जुड़ के आपको 1 लाख ही पे करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिल जाता है नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर। और आजकल सारे ही क्रेडिट कार्ड आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी देते हैं। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने कोई सामान परचेस किया नो कॉस्ट ईएमआई पे, लेकिन आपके पास पूरा पैसा था, लेकिन आपको सामान नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा था, तो आपने उसको नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लिया कि आपको उतना ही पैसे पे करना पड़ रहा है, उतना ही पैसे पे करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात सोचिए कि आपके क्रेडिट कार्ड से 10,000 के सामान के लिए कट रहे हैं सिर्फ 9,500 रुपए, तो ऐसे में आपका 500 रुपए का फायदा हो रहा है, लगभग 10% का फायदा आपको यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि हमें तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तो पूरा 10,000 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर आपने कोई भी सामान खरीद लिया नो कॉस्ट ईएमआई पे, आपके क्रेडिट कार्ड से कम पैसा डेबिट हुआ है, लेकिन आप जो है उस ईएमआई को कस्टमर केयर को कॉल करके कैंसिल करा सकते हैं, तो ऐसे में आपकी ईएमआई भी कैंसिल हो जाएगी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैंसिल कराने के 3% का फोरक्लोजर चार्ज लगता है, तो उससे कैसे डील करें। मैंने कल कई सारे कस्टमर केयर से बात करी है और ये पता लगाया है कि फोरक्लोजर चार्ज तब लगता है कि जब बीच में आप अपनी ईएमआई को बंद कराना चाहते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में अगर आप कैंसिल कराते हैं अपनी ईएमआई को, तो आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता है। ऊपर से जो आपकी प्रोसेसिंग फी लगती है आपकी ईएमआई को कन्वर्ट करने के लिए, वो भी आपकी वीव अप हो जाती है, वो भी आपको वापस मिल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मैंने कल 3 कस्टमर केयर से बात करी है, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। मैंने SBI वालों से बात करी, SBI कार्ड वालों से, उन्होंने बोला कि अगर आपकी ईएमआई कन्वर्ट हो गई है, आपने कुछ सामान परचेस किया है, तो आप 45 डेज के अंदर अगर आप अपनी ईएमआई को कैंसिल कराते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपसे कोई प्रोसेसिंग फी ली जाएगी। और आप कोशिश करिएगा कि आपका बिल बनने से पहले आप उस ईएमआई को कैंसिल करा दें और जो डिस्काउंट आपको मिल गया है वो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। इसके अलावा एक्सिस बैंक वालों का 30 दिन का टाइम होता है कि आपने कोई सामान परचेस किया, 30 दिन के अंदर आप ईएमआई को कैंसिल करा सकते हैं। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड केस में यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, और आप कोई अन्य क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार कस्टमर केयर से बात कर लें और नो कॉस्ट ईएमआई कोई सामान परचेस करेंगे, उसके बाद वो ईएमआई कन्वर्ट हो जाएगी, तब आपको अपने कस्टमर केयर पर कॉल करना है और उनको बोलना है कि आपको ये ईएमआई कैंसिल करानी है। वो आपसे कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपने एक भी ईएमआई तक पे नहीं करी है, आपका पूरा बिल बन के आएगा और डिस्काउंटेड रेट पे आएगा। मान लीजिए 10,000 का सामान लिया तो 9,500 रुपए ही आपको भरने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप इनडायरेक्टली अपना फायदा कर सकते हैं 5 से लेकर 10% का। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टेन्योर का नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट किया है। अगर आप लंबे टेन्योर का नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि आपको ऑप्शन आ रहा है आपके क्रेडिट कार्ड में कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है 12 महीने के लिए, तो ऐसे में आपका ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको 6 महीने का मिल रहा है तो आपको कम फायदा होगा, 3 महीने का मिल रहा है तो आपको और कम फायदा होगा। तो अगर आपको 12 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिल रहा है तो आप उस पर परचेस करें, पैसा आपके पूरा होना चाहिए, तो आप जब पूरा बिल बन जाएगा तो पे कर दें, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अलग से डिस्काउंट चल रहे होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको यहाँ पर डबल डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ऐसी क्रेडिट कार्ड से संबंधित और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।